कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आना चाहिए। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बाकी तो चाहते ही नहीं है। हमारा टोटल 180 आ जाए बहुत है, बहुत खुश हैं हम लोग उसमें। तो देखो 180 लाने का मतलब ये है कि आपके एक आध क्वेश्चन सिली मिस्टेक से या किस्मत आपकी ख़राब है उससे गलत हो सकते हैं, बाकी इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ला चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है 180 लाना। करना क्या होता है उसके लिए एक बार आपको बता देता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे मेरे पास में 3 पोर्शंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेट्स मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, उन चैप्टर्स के नाम आपको बता रहा हूँ जो चैप्टर सीखने के बाद में आपको टीचर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मतलब अगर आपकी इन चैप्टर्स के ऊपर पकड़ है तो उसके बाद में यू नीड नॉट एनी टीचर, क्योंकि बाकी सारे के सारे चैप्टर्स जो होंगे वो इन्हीं चैप्टर पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। अब कोई ये कहता है कि ये क्वेश्चन कर लो, ये बुक कर लो, या फिर ये कंटेंट कर लो 780 आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना। किसी किताब में कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ ना तो ये चैप्टर्स के सुपर इम्पॉर्टेंट हैं। बार मैं आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये इसलिए है क्योंकि जनरल है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चैप्टर जो हर चैप्टर में आएगा। तो जीओसी शायद ही कोई ऐसा चैप्टर है जहां पर आप जीओसी को नहीं देखते, ऐसा कुछ है, जीओसी हर जगह आएगी। सेकंड चैप्टर की बात की जाए तो आपका हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर जो है उसमें एल्कीन्स और एल्काइन्स में बहुत सारे टेस्ट आते हैं। उसके अलावा वहाँ टॉलेंस रिएजेंट आप देख सकते हो, टोटोमेरिज्म आप देख सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रेशन देख सकते हो, ओजोनलिसिस देख सकते हो, लगभग बहुत सारी चीज़ें ट्वेल्थ की भी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में आती है। अगर तीसरे चैप्टर की बात की जाए तो एल्डिहाइड कीटोन्स है, ठीक है। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग एल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से क्या बनता है, एल्कोहल ही बनता है, और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से क्या बनता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं, पढ़ा है ना हमने। ये वो चैप्टर है जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन किस चैप्टर में मिलेगी आपको, ठीक है, तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन से थोड़ा अलग टॉपिक है ये, ट्वेल्थ क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और फोर्थ आपके पास में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब अमीन्स वाला चैप्टर। अगर मैं बात करता हूं मान लो एल्किल हैलाइड्स की, तो जीओसी में आ जाएगा। उसमें क्या है ले देके, SN12 और खत्म, E1 E2 वो हम लोग कहाँ डिस्कस कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस कर लेते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है कि नहीं है, वो यहाँ डिस्कस हो जाता है, और एल्कोहल भी इसमें डिस्कस हो जाता है। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी आप बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट पढ़ते हो, तो अलग टॉपिक हो गया, एंड दिस ऑर्गेनिक खत्म है। अगर आपको ये 4 चैप्टर बहुत ढंग से आते हैं तो आपको ऑर्गेनिक आती है। उसके बाद आपको पॉलीमर्स पढ़ना है जिसमें मेरे हिसाब से टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री डेली लाइफ पढ़ना है, टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। बायो मॉलिक्यूल्स आप बायो में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टीचर की ज़रूरत नहीं है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री टीचर की ज़रूरत नहीं है। इन 4 चैप्टर्स में आपको टीचर की ज़रूरत होती है जिसको खुद को 4 चैप्टर्स आते हो, ऐसे टीचर की। अब मैं देखता हूँ टीचर जब ऑर्गेनिक पढ़ाना चालू करते हो पॉलीमर्स पढ़ाते, खैर जो भी है ये अलग बात है, इसको बाद में डिस्कस करते। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ,
आज के 2 साल पहले के मेरे जितने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो कभी यूट्यूब पे नहीं जा पाए, क्योंकि उन वीडियोस में कैमरा क्वालिटी या जो रिकॉर्डिंग का काम हो रखा है वो इतना बेकार हो रखा है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कैमरे के सामने कोई आत्मा भटक रही है। एवरीथिंग इज़ इनविजिबल। पुराने टाइम में ऐसे ही शूटिंग होती थी। तो फिजिकल केमिस्ट्री के उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मोल कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशन दोनों को साथ में लिख दिया है। मोल कॉन्सेप्ट वो चैप्टर है जिससे आपको गैसेस स्टेट भी आ जाएगा, जिससे आपको सॉल्यूशंस भी आ जाएगा, जिससे आपको काइनेटिक्स भी आ जाएगा, इसी पर बेस्ड है। ये चैप्टर आपको आना चाहिए अगर आपको लगता है। आई एम ऑल्सो टेलिंग ऑल दिस स्टफ फॉर द जेई एज वेल, है ना। जेई एडवांस में अगर बहुत ढंग का रैंक लाना है तो इन चैप्टर्स पे बहुत तगड़ी पकड़ होनी चाहिए। मतलब ऐसी पकड़ जो टीचर की भी ना हो, इस लेवल की पकड़ चाहिए। ये सबसे पहला चैप्टर है जो आपको बहुत ढंग से आना चाहिए। 11वीं क्लास में सबसे पहला चैप्टर यही सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होता है। कहाँ होता है? हाँ, गिब्स रिएक्शन। डेनियल सेल जो होता है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, डेल्टा जी की वैल्यू आप माइनस एन एफ ई से फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा सेल कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, और उसके अलावा सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी अपन बहुत बार डेल्टा जी से फाइंड आउट करते हैं, जब 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 वहां पर मेरे पास में आप रिएक्शन जो है उसको किसी एक स्पेसिफिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जो ई नॉट होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आप किसी इक्वेशन को 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट किसकी वैल्यू चेंज होगी? डेल्टा जी की, क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। थर्ड चैप्टर की बात की जाए तो मैं कहूँगा इक्विलिब्रियम, कोई डाउट ही नहीं है। एसिड बेस के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हैं, एसिड बेस के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हैं, और केमिकल काइनेटिक्स के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? इक्विलिब्रियम ये आपको आना चाहिए। और कोई सा एक और चैप्टर अगर हम लोग बोलना चाहें, आप लोग ही बता दो, सब कुछ आप लोग बता दो। ट्वेल्थ क्लास का ही कोई एक चैप्टर अपन और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, दैट विल बी व्हाट, ऑब्वियस ही बात है, काइनेटिक्स एंड सॉलिड स्टेट। खत्म करो और क्या। उसमें से ये चैप्टर बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। देखो, सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा, और किस्मत बेकार है तो आपने कितना ही भयंकर पढ़ रखा हो कुछ नहीं होगा, है ना। ये मतलब क्लियर है ये फंडा, इसमें कितना ही भयंकर पढ़ रखा हो कुछ नहीं होगा। काइनेटिक्स, ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है। ये चैप्टर्स करने के बाद में आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, सीरियसली जरूरत नहीं है। हाँ, सोटे मारने के लिए तो टीचर चाहिए हमेशा, बट पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद में। इसकी बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। अगर आपको ये आता है तो आपकी इनऑर्गेनिक आती है, मेरा तो ये मानना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक सब इसी पर बेस्ड है। तो ये आपको बहुत ढंग से आना चाहिए, बहुत ढंग से। और ये अगर आपको आता है, इस चैप्टर में आप 2 बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड के बारे में और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। एक बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़ते, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम है? तो जो आपको सेकेंड चैप्टर इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है?
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि इसको हमने कहाँ नहीं पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा था, इसका एक अलग से सेपरेट चैप्टर है। मैंने देखा है कि नीट में अगर मान लो इस चैप्टर से चार क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे दो आते हैं, और इससे चार आ गए तो इससे दो आते हैं, ये फिक्स ट्रेंड है। तो दोनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा वैल्यूबल हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी नजर में वो होगा पी ब्लॉक, विदाउट एनी सेकेंड थॉट पी ब्लॉक। इससे भी तीन से चार क्वेश्चन आते। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और लास्ट में अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल मतलब ढंग से पढ़ी जाए। देखो पीरियोडिक टेबल दो तरीके से पढ़ी जाती है, एक तो नॉर्मली पीरियोडिक टेबल पढ़ी जाती है, और एक वो कि जिसमें पीरियोडिक टेबल के साथ में आप बाकी सारे ब्लॉक्स भी कवर करते हुए चल रहे हैं, है ना, उनके बारे में आप पूरा आइडिया ले रहे हैं। तो अगर आपने बहुत ढंग से पढ़ ली है तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ढंग से नहीं पढ़ी है तो डी एंड एफ ब्लॉक भी आपको साथ में करना पड़ेगा सही से। तो क्या सर ये चैप्टर आने के बाद में 180 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन ये चैप्टर करने के बाद में 180 आउट ऑफ 180 लाने की हिम्मत आ जाएगी कि हाँ अब मैं इस स्थिति में हूं कि मैं कोई सा भी चैप्टर सीख सकता हूं या पढ़ सकता हूं या प्रैक्टिस कर सकता हूं। अगर आपको ये चैप्टर्स नहीं आते होंगे तो आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स में दिक्कत आएगी, प्लस इन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते ही देखते हैं, ठीक है। सो ये चीजें मैंने आपको बता दी, और सीक्वेंस भी यही होगा, समझ रहे हैं आप लोग, सीक्वेंस भी यही होगा। देखा जाए तो सबसे टफ टॉपिक्स ही यही है, और है ही क्या इसके अलावा, तो हाइड्रोजन पढ़ना है फिर तो। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं इनके ऊपर और बहुत सारे चैप्टर जो है वो डिपेंडेंट हैं। ये जैसे मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर में आएगा मोल कॉन्सेप्ट। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर में आएगा केमिकल बॉन्डिंग। जीओसी एक चैप्टर नहीं है, वो हर चैप्टर में आएगा, उसका फाउंडेशन है। अगर आपसे पूछेंगे कि ऑर्गेनिक का फाउंडेशन क्या है तो आप जीओसी कहेंगे, फिजिकल का फाउंडेशन क्या है तो मोल कॉन्सेप्ट, इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन क्या है तो केमिकल बॉन्डिंग। इट शुड बी क्लियर टू यू, और आप फाउंडेशन को पढ़े बिना आप कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप लोग। तो फाउंडेशन इज वेरी नेसेसरी। खैर,